नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां मुरवा विधानसभा अंतर्गत ताजपुर प्रखंड क्षेत्र में शुक्रवार 27 मार्च 2020 को वीआईपी जिलाध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने विश्व स्तरीय महामारी कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लिए विभिन्न टोला मोहल्ला में मास्क, सैनिटाइजर एवं साबुन का वितरण किया। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाते हैं तो यह वायरस सांस के रास्ते आपके शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के द्वारा यह किसी भी जगह वस्तु में स्थानांतरित हो सकते हैं, इसलिए प्रत्येक 1 से 2 घंटे पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। साथ ही सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घर में ही रहें, इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। मौके पर राम सकल सिंह, राजकुमार राय, जितेंद्र कुमार, नवनीत ठाकुर, बिपिन कुमार, अरुण सिंह इत्यादि मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। पूरा भारत नहीं, पूरे विश्व में कोरोना बीमारी जो भी फैला है, मरीज संक्रमण है, एक दूसरे में सटने से ये बीमारी पैदा होता है। सीधा समझिए कि अगर आप हम ही को अगर भेल है पहले से, हम अगर संक्रमित है, हमको अगर कोरोना भेल है, हम आपके देह में अगर सटते हैं तो आपको भी हो जाएगा वही बीमारी। हाँ, इसलिए आप सब लोगों को बताया गया है, सब लोग, स्वास्थ्य विभाग भी, नरेंद्र मोदी भी, बिहार सरकार भी, सब लोग कह रहा है कि सब लोग एक दूसरे से दूरी बना के लगातार अभी 15 दिन 20 दिन अगर हम लोग जी लिए तो आजीवन हम लोग जी लेंगे, नहीं तो सब लोग मर जाएंगे। जो परिस्थिति है भारत वर्ष का, व्यवस्था नाम का कोई विशेष चीज नहीं है। हमको सब लोगों को परहेज करेंगे तो ठीक, नहीं परहेज करेंगे तो सब लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और हॉस्पिटल में मरना पड़ेगा। अब अच्छा जो लगे आप लोगों को, सब लोगों को अगर हम लोग सचेत हो गए, उससे पहले हम कुछ आप लोगों को देने भी आए, देने आए हैं मास्क। जो कहीं जो लोग खास करके जेंट्स लोग अगर बाजार जा रहे हैं, बाजार भी नहीं जाइए, विशेष इमरजेंसी में अगर दवाई लाने, दूध लाने या फिर सब्जी लाने, आटा चावल लाने कभी अगर आप जा रहे हैं तो हम जैसे मास्क लगाए हैं, आप नाक पर मास्क लगा लीजिए और लगा के चले जाइए। फिर जब वहां से लौटिए तो ये मास्क को शांति से एक बगल से खोलिए, खोल करके ऐसे कान से निकाल के कहीं टांग अच्छी जगह पर, सुरक्षित जगह पर। फिर आप इसको जब दोबारा जब जरूरत, अब एक दिन में 4-5 बार आपको जाना भी नहीं है, एक बार प्लानिंग बना के 10 मिनट के लिए निकल गए कोठिया चौक पर, जो सामान लेना है लेके चले आए, या तालपुर चले गए आधा घंटे के लिए लेके चले आए, उसके बाद फिर नहीं जाना। प्रयास करिए कि 2-3 दिन अपने जाए कहें, 2-3 दिन घर में रहे। इसी से बचने के लिए हम थोड़ा सा कुछ साबुन भी लाए हैं, मास्क भी लाए, खास करके जेंट्स लोगों को मास्क हम देंगे, 1 मीटर का दूरी बना के जी। सब लोग मास्क लीजिए, जब जरूरत हो तो इसका यूज कीजिए। हम महिला लोग को भी जागरूक करेंगे, अपने या बच्चे लोग दिन भर में बेमतलब भी न जरूरत समझ में आता है फिर भी हाथ को साबुन से पानी से धो लीजिए, या जेंट्स लोग भी हाथ को साबुन से पानी से धो लीजिए, ऐसा करिएगा तो ये बीमारी नहीं लगेगी। बस इसलिए आप लोगों के बीच में आए हैं, सब लोग अपने अपनी जगह पर खड़ा रहेंगे, जैसे जो खड़ा हम सब लोगों के पास आएंगे हम सब लोग आप लोगों को साबुन और मास्क वितरण करेंगे। मिलेगा उधर खड़े रहेंगे।